दोपहर के 1 बज रहे हैं, कड़कती धूप, कराची का पारा इस वक्त 40 के करीब है और ये रश देखे माशाल्लाह से। और ये रश है झूले लाल छोले के लिए भाई, ये देखे माशाल्लाह से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बच्चे भी स्कूल का अपना फ्री होकर आ गए और ये छोले ले रहे हैं। ये माशाल्लाह से रश देखे, ये छोले छोले के लिए रश है भाई ये। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो क्या ये वक्त में नहीं खत्म हो जाते हैं क्या? हाँ तकरीबन ये बस 2-3 घंटे का काम है भाई, बस 2 घंटे में खत्म। अच्छा पूरे भाई, तो यार एक प्लेट बना दे हमारी, कितने वाली बना रहे हैं ये? आप बड़ी प्लेट बना रहे? अच्छा बड़ी बना दे रही है। क्या आ गया पहले, फुल्के आ गई? ठीक है। और ये क्या साथ में? चने? चने आ गए भाई, जबरदस्त चने। ये माशाल्लाह खट्टा आ गया अपना। अच्छा ये खट्टा डलता है साथ में, जबरदस्त। ये अपनी प्याज आ गई, ये प्याज आ गई अपनी, सही है। ये आ गई जी पापड़ी, ठीक है। और अच्छा पापड़ी डबल डाल दिए, पापड़ी डबल डाल। और मसाला साथ में है कड़क, ये कड़क मसाला, सही है। और ये क्या साथ में? ये धनिया पुदीने की चटनी। अच्छा धनिया पुदीने की चटनी भी है, ये तैयार है हमारी प्लेट। चले जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो भाई ये मुख्तलिफ इकसाम की चटनी आपको नज़र आ रही है और ये मकाम है झूले लाल कोरंगी जमान टाउन कल्लू चौक से थोड़ा सा आगे जा रहे जानी, जो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और यहाँ पर दोपहर में कड़कती धूप के अंदर, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, ऐसा ही रश नज़र आता है। और अभी देखते हैं माशाल्लाह से 1 बजने का वक्त हुआ, रश लगना शुरू हो गया। यानी ये खेल है 2 घंटे का, यानी 12 बजे आते हैं भूरे भाई और 2 बजे तक झूले लाल छोले ख़त्म, तबा चढ़ हो जाते हैं। तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन थी, तो हमने सोचा ट्राई करें और खाकर अपना रिव्यू देखें भाई जायका कैसा है, क्योंकि भाई यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। पसीना निकल रहा है, लेकिन मसाले वाली बनवाई है भाई ने। है भाई मसाले वाली बनवाई है आपने, ज़बरदस्त यार लग रहा भाई, लग रहा भाई। कहाँ से लेने के लिए आया ये? वो पसीना आ रहा है आपको, मतलब इसके लिए पसीना भी आ जाए कोई मसला नहीं? सर मसला नहीं है, भूरे भाई के छोले बहुत अच्छे छोले होते हैं। अच्छा ये तकरीबन हम 94 से मैं मैट्रिक कर रहा था सवराज स्कूल से, सही, जब से खा रहा हूँ छोले। यानी कम से कम आपको 30 साल के करीब होने वाले तकरीबन। ओहो माशाल्लाह, जायका वैसा ही है? जायका वैसा ही है भूरे भाई का। मैं क्रॉसिंग से आ रहा हूँ, कुरंगी क्रॉसिंग, कुरंगी क्रॉसिंग से लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। तकरीबन 15 से 20 मिनट का सफर कर रहा है? 15 मिनट का सफर तकरीबन मैंने किया है। अरे वाह जबरदस्त, जायका है तभी आते हैं। जायका बहुत उम्दा है। अजीम भाई कहाँ धूप में खड़े हुए हैं यार छोलों के लिए? वाइफ के साथ आए हूँ छोले लेने। अच्छा। के लिए भूरे भाई के छोले माशाल्लाह वीआईपी छोले, वीआईपी छोले बिल्कुल, मतलब गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो मतलब नहीं, हम भूरे भाई के छोले खाते हैं और किसी के छोले नहीं खाते। और मिलते भी 2-3 घंटे के लिए ना? 2-3 घंटे की बात है, अभी एक बजने वाला है, अब ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। भाभी ने बोला वक्त से पहले पहुंचो, भाभी साथ आएंगी, भाभी साथ आएंगी बिल्कुल, भाभी साथ है और छोले ले रहे हैं। जबरदस्त भाई, धूप कोई मसला बर्दाश्त इसके लिए? सब बर्दाश्त है भाई झूले लाल छोले के लिए। अस्सलाम वालेकुम भूरे भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है यार, माशाल्लाह आपके चाट की बड़ी तारीफें सुनी है। तो ये बताएं सबसे पहले मुकाम कौन सा है, कौन सी जगह पर हैं आप? कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन, ये सामने टी पॉइंट है, सामने सरफराज स्कूल है, ठीक है। और यहाँ से सीधे चले जाओ तो कल्लू चौक आ जाता है। यहाँ से ऊपर जाएंगे कल्लू चौक है, ठीक है। मेन स्टॉप 4 नंबर, मेन स्टॉप 4 नंबर, ठीक है। तो माशाल्लाह कितना टाइम भूरे भाई हो गया आपको यहाँ पर इस स्पॉट पे? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं यहाँ पे इसी जगह पे, मतलब ये काम करते थे या फिर पहले से? पहले वो सामने काम करते थे, अभी इधर बाहर आ गए। अच्छा आप बाहर आ गए यहाँ पे, ऐसा क्या राज है आपके छोलों के अंदर जो माशाल्लाह लोग इतनी गर्मी के अंदर आ रहे हैं दोपहर में? ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक ने जायका दिया हुआ है, जायका दिया हुआ है। तो आते भी आप 1-1.5 घंटे के लिए हो बस? नहीं कम से कम 2.5-3 घंटे, 2.5-3 घंटे में फारिग। हाँ माशाल्लाह से, यानी 12 बजे आना है और 2 बजे चले जाना है। जी हाँ। और जो नहीं आया वक्त पर वो इंतजार करे अगले दिन का, वो अगले दिन का। अरे माशाल्लाह, तो कितने की प्लेट हो गई, कौन से छोले होते हैं, किस तरीके के? ये 100 रुपए की प्लेट है। क्या डाला आपने पहले? ये पकौड़ी है फुल्की जिसे दही बड़ा कहते हैं, ठीक है। और ये अल्लाह आपको ने की दे, ये खट्टा है। काफी मुख्तलिफ मसाले आपको बनाने का ना, ये पापड़ी आ गया, ये पापड़ी आ गई। तो ये कितने वाली प्लेट बन रही है? ये 100 रुपए वाली, 100 रुपए वाली ना भी अलग होता है जो मार्केट में मिल रही है आजकल भाई, सबका अपना अपना जायका है, अल्लाह पाक ने हर इंसान के हाथ में अलग जायका दिया हुआ है। सही बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, झूले लाल ये कुरंगी के बिल्कुल कल्लू चौक से भी काफ़ी आगे रास्ता जो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जा रहा है, वहाँ पर जाकर एक नीम का दरख्त उसके नीचे है भाई ये, और ठंडी ठंडी छाँव, तेज़ धूप है, मगर माशाल्लाह से देखें अभी भी रश है। अभी शुरुआत कर लें भाई। अच्छा भाई 3 से 4 किस्म की देखें चटनियाँ डालते हैं, ये देखें 3 से 4 किस्म की चटनी है, अब ज़रा ट्राई कर लें। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट ऐसी खाते हैं ताकि ना छोलों का जायका चख लें ना, ऐसे जायका अच्छा है। यानी अभी तो चटनियाँ मिलाई नहीं है, छोले बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है। अब ज़रा मसाले मिलाए ना भाई। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, हाँ थोड़ी खटास चटनी मिलाएं, थोड़ी ग्रीन चटनी मिलाएं, और ऐसे करके जैसे लोग मिला मिला के खा रहे हैं ना, ऐसे आपने A1 है, मज़ेदार है। जितने पैसे ले रहे हैं
उसके लिहाज से तो बहुत अच्छी है। दही भल्ले भी हैं इसके अंदर, छोले भी हैं, भाई पूरा मिला के खाएंगे तब मज़ा आएगा। अच्छा हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करवाई है, मगर आप स्पाइसी करेंगे और ज़्यादा मज़ा करेंगे। देखिए माशाल्लाह रश देखें यार, ये रश शुरू हो गया है और ऐसा ही रश एक घंटे में आना है। आपने अगर नहीं मिलोगे, एक घंटा है आपके पास, अगर नहीं आए वक्त पर तो ये ख़त्म और अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा भाई। अच्छा देखिए ये बिल्कुल ना खिचड़ी टाइप हो गए, मतलब इसमें जो सॉसेज है ना उसका बहुत ज़्यादा खेल है। छोले पूरे तर हो रहे हैं इनकी चटनियों के साथ, और आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो एक नया ही जायका बनता है। ये इसका जायका थोड़ा सा डिफरेंट है, दीगर जो चना चाट या आपको छोले मिलते हैं उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका अपना जायका अच्छा मज़ेदार है। अच्छा इसी तरीके से आपको लांडी के अंदर एक ना लांडी एक के ऊपर एक चाट मिलती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद एक नंबर पर है उनकी चाट, उनकी उनका जायका भी कुछ इससे काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो मज़ेदार है और मज़ा आता है आपको। और 100 रुपये की लिहाज से क्वान्टिटी अच्छी है, जायका अच्छा है, और मज़े से आप एक प्लेट ख़त्म करते हो, क्योंकि लोग यहाँ पर देखा है कि मैंने दोपहर का खाना खा रहे हैं भाई, इसको समझ के, क्योंकि अक्सर बेशतर छोले हम शाम के औकात में पसंद करते हैं, चना चाट वगैरह, लेकिन भाई दोपहर में इतना रश है कि इनको शाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं ना परफेक्ट मिक्सचर, इन सारे मसाले चटनियाँ वगैरह और जो पापड़ी है, इसी तरीके से जो छोले हैं, एक बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन है, जो इसकी वजह से ये लोग इतना पसंद कर रहे हैं भाई। छोले बेहतरीन किस्म के, मज़ा आ जाएगा खाकर, एक बार तो बनता है भाई आना यहाँ पर।